पे ड्रिंकिंग वाटर फिल किया जा रहा है। यहाँ ऐसे ही पहाड़ों से पानी को किसी तरह से ये लोग कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं और पीते हैं। वहीं पे एक ऊपर से गिरता हुआ वाटरफॉल है वहाँ तक, जो हम लोग कल ट्रैकिंग करने गए थे। ये रास्ता है ही नहीं बाद में। वी रीच्ड ऑलमोस्ट देयर बट गिरते पड़ते कोई नहीं। दैट वॉज फन। आज फिर से ट्रैकिंग करने चलना है क्या? ना ना। अरे यार बहुत ठंडा एकदम बर्फ जैसा। हम लोगों ने पानी भर लिया, बस हम लोग अब निकलेंगे, सामान समेटेंगे और चलेंगे। अच्छा ये पानी यहीं से जो हम लोगों ने पिया यहीं से जाता है, ऐसे ही पहाड़ों से आता है। किसी तरह से ये लोग इसको बांध बांध के क्या करते हैं, बस ये पीने वाला बन जाता है। और इतना टेस्टी है कि क्या बताऊं। भैया सावधानी हटी और दुनिया बदली, ऐसा हो जाएगा। और पहली बार इतने अच्छे से मैंने पहचाना लीच क्या होता है। रबर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, खींचो जूते से पीस डालो लेकिन मरेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग। इतना सॉफ्ट देखने में लगता है लेकिन स्किन में घुस जाता है। चली चलो तुझे। कितना खूबसूरत घर है, आविष्कार आविष्कार। वेर आर यू आविष्कार? आई कॉल्ड यू इन द नाइट। ओ यही झाड़ू बनता है क्या इससे? देखा ये है झाड़ू, वहाँ भी होता है हम लोग के गांव में, बट होता क्या ना प्लास्टिक लगा हुआ रहता है। ये यहीं पे हैंडमेड है। हैंडमेड है कुंग फू। चियो चियो चियो। ले जा रहे हो क्या ये? वांट टू गेट अ प्लांट ऑफ इट? हां ले। ये लग जाएगा ना? आप लोग के प्लेस में वेदर पे डिपेंड करता है क्या? ठंडी में ज्यादा उगता है। चाबी कहाँ रख दिया? अरे गिर गया लगता है वहीं पे। सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया ना। एक ड्रीम था मतलब मेरा कि हम ऐसे घर में, हमको जैसे ये लोग रहते हैं उस तरह से हम भी रहें, ऐसा मेरा एक ड्रीम था और उनको रहने के लिए मिल गया। व्यूज तो ऐसे ही मिलेंगे, खाली रोड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखा हो ये जो उन्होंने दिया है, अगर देख रहा होगा ये टीका और ये मफलर, नेपाली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग दिस इज अ वेरी नाइस जेस्चर। एक्चुअली वी आर गोइंग बैक टू होम थ्रू रावंगला। रावंगला में
हम लोग बुद्धा पार्क देखेंगे और फिर नामची में चार धाम, उसके बाद हम लोग वहाँ से रूट सेट करेंगे घर के लिए डायरेक्ट। तो ये सब कुछ रिटर्न रूट में ही हो जाने वाला है, तो हम लोगों को कहीं कोई रूट डिविएट नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हम लोग रावंगला पहुँच के फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अभी तो रोड ऐसे ही रहने वाला है अगले एक घंटे तक के लिए। वेलकम टू सेवन मीयर लेक एंड डॉलिंग मॉनेस्ट्री। हम लोग अभी रावंगला जा रहे हैं, तो उधर से रावंगला से आते वक्त ये जगह मिलेगा टू आइडेंटिफाई दिस प्लेस। वो आर्च देखना पड़ेगा और वो नाम पढ़ के आप अंदर जाओ और फिर मिलेगा वो लोकेशन जहाँ पे हम लोगों ने होम स्टे किया था। देतांग विलेज So 150 plus 30 rupees. Yep. How much 30? 30 rupees. लोगों ने कुछ कुछ ऑर्डर किया है। क्या क्या ऑर्डर किया है? वेज चिली, वेज फ्राई मोमोज, चीज वेज फ्राई मोमोज, वन प्लेट चाउमीन, वन प्लेट चाउमीन, और अभी खाएंगे और एक कोको कोला एंड वन कोक। यस, दिस इज द सेम लोकेशन वेयर बुद्धा स्टैचू इज द बुद्धा पार्क। मेरा वाला आया, इन लोगों का भी आना बाकी है और मैंने अपना कोक भी फिनिश कर दिया। क्यों किए? मुझे रहने का मन, रुकने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है खा ही ले अभी। अगर आते आते तुम लोगों का ठंडा हो गया तो फिर मेरा खाना का क्या होगा? ए चाउमीन आ गया, चाउमीन। अरे तुम जाना चाहता ना, ये आ गया। क्या था तुम्हारा? आई विल लिफ्ट सम जेट का चीज मोमो। कूल मैन, एंजॉय। You can take one picture of, I think. Yeah, you have to confirm. I think it's good. Thank you. We are done with Buddha Park. It's really beautiful. If you are coming towards this part of Sikkim, that means western Sikkim, you should try to come here as well. It's a place where you can easily spend 5-6 hours also. But if you also want to quickly finish the trip from here, then half an hour or 40 minutes is also fine. But this really worth visiting. हम लोग आज जब आए तो सबसे पहले हम लोग ही आए थे, कोई नहीं आया था। पहला टिकट हम लोगों का था तो उनके पास चेंज नहीं था,
इसलिए हमने लिया भी है। तो ये जगह क्या लगता है आप लोगों को भाई, आना चाहिए लोगों को? यू मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड यू मस्ट ट्राई चीज फ्राई वेज मोमो। आई सजेस्ट यू अवॉइड ईटिंग चाउमीन, चाउमीन इट विल नॉट गिव अ गुड टेस्ट। आकाश डर रहा है कि तुम टी प्लांटेशन में डायरेक्ट सैर करने तो नहीं ले जाओगे। शशि SHASHI। थैंक यू। ये शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा मूर्ति है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे जो ज्योतिर्लिंग है उसका भी प्रोटोटाइप बनाया गया है।
तो दो तीन नाम जो मैंने पढ़ा उसमें बद्रीनाथ था, जगन्नाथ था शायद, जगन्नाथ मंदिर का, तो शायद कॉपीराइट का इशू आएगा। कुछ गाना भी बज रहा है यहाँ पे, अगर वो बजा तो फिर मैं ऊपर से आवाज़ दे दूँगा इसको म्यूट करके। आप देखते चलो बस क्या क्या है यहाँ पे। बहुत ही ऊंचा है। Thank you.
फीलिंग लेकिन बहुत ही हार्ट से आया होगा जिस बंदे ने भी इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया और बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अब हम लोग तो हो गया, जितना घूमना था घूम लिया, वो सब लोग घर वापसी कर रहे हैं। और यहाँ से 3 घंटे 16 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है सिल्लीगुड़ी के लिए, 96 किलोमीटर, लेकिन हमको लग रहा है 3 घंटे की जगह 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह था, मतलब अगर कोई इधर आ रहा है वेस्टर्न सिक्किम में तो ये तो ज़रूर आना चाहिए, करेक्ट ना? यू मस्ट विजिट। और हम लोग आराम से जाएंगे और पहुँच जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अब रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। जिन लोगों ने देखा यहाँ तक तो बहुत बहुत थैंक्स, बाकी लोगों को क्या करना चाहिए देख लेना चाहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स, बाय। कैमरा में तो दिख रहा है रोड, पत्थर सब कुछ निकला हुआ रोड का। तो इधर दिखाते हैं, ये सिल्लीगुड़ी जाने का रास्ता भाई, ये हमको सीट ऊपर करना पड़ेगा। हाँ कर लीजिए, देख के आओ तो उधर से क्या है, लैंडिंग कैसा हो रहा है जी, पता चला इसके ऊपर चढ़ गए। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन गोइंग बैक टू होम। और ये We have come here to show you some. पत्थर है।